हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम ट्रेन करने वाले अपने शोल्डर्स को। मेरे पास यहाँ पर 7.5 kg के 2 डंबल्स है। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप ब्रिक यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास वाटर बॉटल है 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर की, उससे भी आप अपने पूरे शोल्डर को ट्रेन कर सकते हो। 4 से 5 एक्सरसाइज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी जब भी नई वीडियो अपलोड होंगी तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शोल्डर की हम फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा साइड रेजेस और फ्रंट रेजेस का। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं और हर एक सेट में आपको 15 रेप्स लगाने हैं। और आपका एक रेप कब होगा वो आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा सा बेंड करना है अपने हाथों को, और उसके बाद यहाँ तक ले के आना है, और वहाँ से यहाँ तक और नीचे, और यहाँ से ऊपर साइड में और नीचे। ये हो गया आपका एक रेप। इसके आपको 15 रेप्स लगाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने वाले हैं अपराइट डंबल रो। इसके आपको 3 सेट्स लगाने, 15 रेपिटेशंस लगाने हैं। जितना आप स्लो नीचे आते हो उतने आपके मसल्स में टेंशन आपको फील होंगे। जिम में कैसे हम हेवी वेट्स उठाते हैं, लेकिन अब हम घर पर है तो हेवी वेट्स नहीं उठा सकते। तो आपके पास बाल्टी रहेगी, तो बाल्टी में 2 बाल्टी सेम वेट के लेके आप इस तरीके से श्रग परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप डंबल्स लेके भी परफॉर्म कर सकते हो। पूरा ऊपर जाना है और स्लोली नीचे आना है। अपने ट्रैप्स में फील करें वो एक्सरसाइज को। इसके आपको 15 रेप्स लगाने हैं और 3 सेट्स आपको इसके परफॉर्म करने हैं। अपने शोल्डर्स को इस तरीके से घुमाइए मत, एकदम स्ट्रेट शोल्डर ऊपर आने चाहिए और इस तरीके से नीचे जानी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने शोल्डर्स को ऐसे घुमा लेते हैं, तो इससे आपके ट्रैप्स पर उतना प्रेशर नहीं आता जितने कि इस एक्सरसाइज से आता है। Yeah.